चाहता हूँ एज अ शरीफ ऑफ मुंबई डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े आई हैव विजिटेड अंटिल नाउ सो मेनी ईयर्स नाउ सो मेनी आई हैव विजिटेड हंड्रेड्स ऑफ एग्जीबिशंस बट दिस इज द वन एग्जीबिशन आई एम फाइंडिंग इट वेयर ऑल द आर्टिस्ट वेयर हैव कम हियर मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द आर्टिस्ट दे हैव गॉट अ पैशन अबाउट द आर्ट आई थिंक दे हैव डन नॉट फॉर द मार्केटिंग दे आर नॉट डन फॉर द सेलिंग द वर्क दे हैव जस्ट कनेक्टेड with the passion, with the art of love, and they want to do something, they want to relax themselves, which I like maximum, and I appreciate that today, the exhibition which was organized by Deepak Jadhav with the Maharashtra Art Foundation is something fantastic. यहाँ पे काफी काम इतने अच्छे हैं कि फेवरेट का तो मुश्किल है बोलना मुझे फिर से आना पड़ेगा मैं जरूर आऊँगा फिर से क्योंकि इतना देखने लायक है यहाँ पे मुझे फिर से एक ट्रिप मानना ही है यहाँ पे तो दो तीन मे बी टू टाइम्स आई विल कम हियर क्योंकि एक साल या दो साल में इन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो अगर बचपन से वो लोग करते तो कितना और हो सकता था पोटेंशियल बहुत है और मैं जरूर इनसे मिलूंगा आर्टिस्ट से और प्रोत्साहन दूंगा थैंक यू और सर आप यहाँ चाहेंगे कि कैसे जो आर्टिस्ट है वो इस फील्ड के भी नहीं है फिल्म में इतनी बढ़िया कला आई मीन आप भी बहुत ही बारीकी से देख रहे थे चीज़ें और प्रेरित हुए आई थिंक तो क्या कहना चाहेंगे आप डेफिनेटली देयर इज नो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हार्डली दो तीन लोगों को छोड़ा तो मैक्सिमम आर द लॉयर आईटी इंजीनियर देन केमिकल इंजीनियर दिस पीपल आर देयर एंड देयर फर्स्ट टाइम so many people are first time in the painting so the great days mujhe first time dar bhi nahi laga it's a fantastic work and bahut sara main to pura meditation mein gaya and jo bata rahe the meditation mein gaya spiritual mein gaya so this they have that power of this picture and their imagination to go to the some alag extension pe leke gaya main That is a greatness. I'll try to be the इसका सेल करने के लिए मैं पूरी मेहनत करूँ आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट को ऐसा लगा मुझे भी आप जब चेक करें तो है ना आर्टिस्ट कि आप हमेशा मेहनत से काम करें और बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन हैं जो आर्ट फाउंडेशन है और लास्ट में हमेशा कहते हैं कि काम तभी उसका मेन होता काम रहा जब आप मेहनत से काम करो इसके लिए हमारी शुभकामना है मेहनत से काम करो और हर दिन के लोग आर्ट के बारे में ऐसा बोलूँ कि मैं इसमें अपने आप को देख रही हूँ कि मैं खुद एक प्रोफेशनल जो काम में 24 आवर्स बिजी रहती हूँ हर कोई इसमें और ऐसा लगता है कि अपने को मेडिटेशन की ज़रूरत रहती है अपने को किसी से बात करने के लिए कुछ बातें होती हैं हम लोग नहीं कर पाते लेकिन जो कला होता है अलग वो संगीत हो या पेंटिंग हो जो भी जिस प्रकार की चीज़ें बनाने की होती है हैंडीक्राफ्ट हो हर आदमी के अंदर एक कला होता है और उसने उसके लिए टाइम निकालना जैसे हम लोग इसके लिए टाइम निकालते हैं उसके लिए निकालते तो हम अपने लिए खुद के लिए जब टाइम निकालते ना वो उसमें से जो कला आती है ना वो एक्चुअली कला होती है और वो हर आदमी ने उस पर फोकस करना चाहिए एटलीस्ट एक घंटा दिन का ब्यूटी पार्लर में या उसमें जाके स्पेंड करने से अच्छा पेंटिंग बनाओ संगीत सीखो डांस करो यू नो तो वो ज़्यादा अच्छा है हे जे पूर्ण पेंटिंग्सचं जे एक्झिबिशन आहे त्याची खासियत इथे म्हटलं तर एका कलाकारांनी म्हणजे आर्टिस्ट जे असतात म्हणजे पेंटर्स असतात ते तर कला त्यांची सादर करतात आणि त्यांच्याकडून चांगलं काम होतंच पण इकडचं जे वैशिष्ट्य आहे की जे प्रोफेशनलच आहे ॲडव्होकेट आहेत किंवा इतर फील्डमधले प्रोफेशनल्स आहेत
आणि त्यांच्याकडून एवढं उत्तम काम होणं म्हणजे हे खरंच सरप्राइझिंग आहे आमच्यासाठी. आणि म्हणजे मला विशेष करून ते घोड्यांचे जे पेंटिंग्स ते इतकं सुंदर आहे, म्हणजे त्याचे जे स्ट्रोक्स आहेत ते इतके सुंदर आहेत की मी म्हणजे मला इथे आज ह्यांनी दीपक सरांनी बोलवलं आहे याच्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद मी मानू इच्छिते, कारण एवढं सुंदर काम मला बघायला मिळतं आहे. बाकी कभी मैं सोचा कि आर्टिस्ट जितने भी है जो प्रोफेशनल, लेकिन बाकी को जिसको हॉबी उनको कोई चांस देता नहीं है जी. मैंने वही सोच के उनको जो है हॉबी को लोगों को मैं चांस दिया है, जितने इसमें एडवोकेट है, इंजीनियर है और अपना वो अपना बैंकर्स है और CA भी है उसमें से, ये सबको मैं हैंडल करके वो एडमिशन कर रहा हूँ. और ये अपना इसमें जो सेल होता है उसमें 10% में वो अनाथ आश्रम को देने की सोच रहा है कि मेरा एम जो ये है.